दिल्ली से 1200 किलोमीटर की यात्रा में निकले पिता पुत्र पहुंचे मंडला। साइकिल को दिनचर्या में शामिल करने का दे रहे संदेश। दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी 51 वर्षीय पिता जितेंद्र साहू एवं उसके 23 वर्षीय पुत्र राजकुमार साहू दोनों 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का लक्ष्य रखे हुए हैं और निकल पड़े हैं। दोनों पहली बार इतने लंबे सफर पर साइकिल से निकले हैं। यात्रा करते हुए शनिवार की दोपहर 2 बजे दोनों मंडला के माधोपुर पहुंचे। उन्होंने 18 अक्टूबर से यात्रा शुरू की थी, जिसमें मंडला तक 950 किलोमीटर यात्रा पूरी कर ली है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य आप लोग और क्या आपकी मंशा है पूरी? हम चाहते हैं कि लोग केवल फ्लाइट या और ट्रेन वगैरह में ट्रैवल ना करके कहीं साइकिल से भी ट्रैवल करें। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हम छोड़ देते हैं, जैसे ओरछा में राम राज्य मंदिर वगैरह हो गया, और वाइल्ड लाइफ रिजर्व और फिर कई सारे बर्ड सेंचुरी वगैरह बीच में आते हैं ओरछा में। ये सब चीज़ क्या है ना, मिस कर जाते हैं नेचुरल ब्यूटी, तो चाहते हैं कि वो सब भी साइकिल करते करते वो लोग इन्जॉय करके जाते। आप लोग कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली से हैं, दुर्ग जा रहे हैं। क्या रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं दुर्ग के, लेकिन अभी दिल्ली से दुर्ग जा रहे हैं। आप दोनों लोग हैं, क्या संबंध है आपका आपस में? मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे पापा जी हैं। पापा काय में जॉब करते हैं? पापा भी आर्मी से रिटायर हुए हैं फौज से। अच्छा, तो इनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी होगी साइकिल चला चला के। तो आपका क्या आगे करने का विचार है? अभी अगर ये कंप्लीट हो जाए तो हम आगे और सोचेंगे करने के लिए, ताकि और भी लोग ज्वाइन करें, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले साइकिल राइड वगैरह करने के लिए। साइकिल ही क्यों चुनी आप? चाहे तो पैदल कर सकते थे या कुछ और? साइकिल इसलिए चुनी कि देखो, जब लोग फिटनेस के लिए जिम जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी से जा रहे हैं, पोल्यूशन करते हैं, फिर वहाँ जाके अंदर फिट बन रहे हैं। उससे बढ़िया दिन भर साइकिल चलाएं कम से कम, और नहीं तो 10 किलोमीटर चलाएं, घर से स्कूल तक साइकिल में जाएं।